हाय दोस्तों, मोबाइल फोटो एडिटिंग फ्लो कोर्स सीरीज का ये हमारा 10वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पिक्सकट एप्लीकेशन में हम अपनी फ़ोटो को HD साइज में कैसे सेव करें या HD में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सकट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। पर हमें प्लस पर क्लिक नहीं करना है, अभी हम बैक जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है प्रोफाइल का, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है मैक्सिमम इमेज साइज, तो उस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग साइज दी गई होगी, जैसे कि 3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल की साइज, और सबसे लास्ट वाली जो होगी जो 8 मेगापिक्सल। तो हमें क्या करना है, जो सबसे जो लास्ट वाली मैक्सिमम साइज है 8 मेगापिक्सल, वही हमें सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप जब भी पिक्सकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 5 मेगापिक्सल या 6 मेगापिक्सल सिलेक्ट की होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम फोटो एडिट करते हैं तो हमें एक बार देख लेना है कि हमारी ये साइज 8 मेगापिक्सल है या नहीं है। तो हम जब भी फोटो एडिट करते हैं तो एक बार हमें इस सेटिंग को चेक कर लेना है। तो यहाँ से हम 8 मेगापिक्सल उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो फ़ोटो है वो बिल्कुल HD में ही सेव होगी। दूसरी ट्रिक क्या है वो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस फ़ोटो की जो मैक्सिमम साइज है उस मैक्सिमम साइज में हमें उसको कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, उसके बाद रिसर्च पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल जो साइज है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, 2500। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे विथ पर क्लिक करके उसको कैंसिल कर देना है, और यहाँ पे 999 ऐसा लिख के जैसे ही हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे उसकी जो मैक्सिमम साइज है 8 मेगापिक्सल की वो हमें शो हो रही है, देखो 2896। तो हमें क्या करना है, उसकी जो मैक्सिमम साइज है 2896, तो यहाँ पे हमें 2896। दोस्तों, हमें ओनली विथ फिलअप करना है, हाइट अपने आप फिल हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2896 लिख दिया, हमारी पहले की साइज कौन सी थी, 2500। अब देखिए, अब इसकी साइज है 2896, और उसको मैं रिसाइज कर दूंगा। तो ये हमारी रिसाइज हो गया और हमारी फ़ोटो भी HD हो गई है। देखो दोस्तों, ये भी बिल्कुल HD साइज में इस तरह से हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हम पिक्सकट में फ़ोटो को एडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ से जो ऊपर जो एरो है वहाँ पर क्लिक करके हम फ़ोटो को सेव कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें कहाँ से फ़ोटो को सेव करना है, तो आप देखिए यहाँ पर नीचे ड्रॉ दिया गया हो, तो हमें ड्रॉ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करके हमें सेव इमेज पर क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए, यह हमारी इमेज सेव हो गई। तो इस तरह से अगर फ़ोटो सेव करेंगे तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी लो नहीं होगी, और जैसे उसकी साइज है ओरिजिनल साइज, वही ओरिजिनल साइज में वो सेव होगी। तो दोस्तों, ये हमारी 3 ट्रिक्स थी जिसमें हम फोटो को HD साइज में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो।
अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।